तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और तो चलो यार, परफॉर्मेंस सेंटर बहुत ही मेहनत से बना रहा है, कंधा दर्द होता है बनाते जा रहे हैं, एक नया वर्ल्ड में सेव है परफॉर्मेंस सेंटर। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है उसको बनाने में, क्या बताएं, एकदम WWE के जैसा रियल बना दिया है, बहुत अच्छा बना दिया है। इसमें तो मीटिंग रूम जहाँ WWE के प्लेयर्स ठहर पाएंगे वो रूम वगैरह सब बनाया है। तो चलो भाई, बिल्कुल सही जगह पे गेम सेव हुई है। तो ये देखो हमारा परफॉर्मेंस सेंटर एरिना, आपने एक वीडियो में देखा होगा पूरा, मैंने वो वीडियो डाला अपने चैनल पे। तो चलो यार, अब यहाँ से चलते हैं अंदर। ये देखो यहाँ पे पहले आपको गेट नहीं नज़र आ रही, पर यहाँ पे अब गेट लगा दिया है मैंने। ये देखो यहाँ से, अब देखो आपने ये वाला एरिया देखा होगा। ये देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारा चेंज हुआ है। ये देखो प्यूरिफाइड वाटर, अगर किसी को पानी पीना होगा तो यहाँ पी सकता है। क्या किया मैं, बाहर गया, यहाँ पे एक छेद किया, ऊपर से उधर ब्लॉक लगा दिया, पानी भर दिया, हो गया। और भाई देखो और क्या बनाया मैंने, हाँ मिस्टर मिकमैन है WWE का मालिक का रूम भी बनाया मैंने। ये आपने देखा होगा मीटिंग रूम, हमारा मीटिंग रूम तो है, साथ साथ में देखो यहाँ पे एक और कमरा पहले नहीं था, पर यहाँ पे एक और कमरा बन चुका है, ये चेयरमैन ऑफ WWE। तो यार चेयरमैन ऑफ WWE के रूम में बड़ा सा TV लगा। और ये देखो ये हमारा टेबल है, बहुत मेहनत से बनाया, पेंस वेंस लगा के बनाया, थोड़ा तो अच्छा से टेबल बन गया। और ये पेंटिंग है, ये मिस्टर मिकमैन का रूम है, यहाँ पे मिस्टर मिकमैन बैठते हैं, मिस्टर मिकमैन यहाँ पे HHH वगैरह, स्टेफनी मिकमैन, शेन मिकमैन सब बैठ सकते हैं, मिकमैन फैमिली। और ये हमारा TV और ये हमारा मीटिंग रूम। तो और कुछ चेंज आपको नज़र आया होगा शायद, तो यहाँ पे यार देखो एक आपको और गेट नज़र आ रहा होगा, ये है स्टेइंग डॉर्मेटरी रूम। तो यार डॉर्मेटरी रूम भी बना दिया मैंने। ये देखो डॉर्मेटरी रूम में आपने देखा ना कैसे बेड सट सट के बहुत सारा लगा रहता है, तो यही वही है। देखो कितना सारा बेड लगा हुआ, ये देखो कितना सारा बेड लगा हुआ है। यहाँ से कूद के, एक सेकेंड, अभी कूदेंगे यार माइनक्राफ्ट में कूदना, एक सेकेंड, ओके। तो यार देखो, और यहाँ पे सोफ़ा जैसा बनाया है, जो थक जाए बेड में सोए यहाँ के बैठ सकता है। ये मैंने स्टेयर से बनाया, बहुत ईजी है। और पेंटिंग्स लगा दिए देखो। और एक और चीज़ दिखाई नहीं, मान लो किसी को नहाना होगा तो यहाँ आ सकता है वो, ये बाथरूम जैसा है समझ लो, असल में ये नहाने का जगह, स्विमिंग पूल, यहाँ कोई नहा सकता है। मैंने पानी भर दिया, ओ भाई बहुत तेज़ी हवा चल रही है, बहुत तेज़ी नाल हवा चल रही है, ओ भाई बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, पता नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा होगा, कोई बात नहीं। इसमें एक अंडरटेकर का रूम भी बनाना है हम लोग को, अंडरटेकर का रूम। देखो यार सारे प्लेयर्स जितने WWE के हैं, जॉन सीना, रोमन रीन, डीन एम्ब्रोस, जितने हैं सब इस रूम में रहेंगे, लेकिन अंडरटेकर का एक अलग से कमरा होगा सिर्फ और सिर्फ। तो अंडरटेकर का कमरा कहाँ बनाया जाए वहीं सोच रहे हैं। पहले हम ना परफॉर्मेंस सेंटर एरिना के बाहर चलते हैं, फिर देखते हैं। हमारा एक तरह का एरिना ही बन गया ही। और बाहर कैसे जाएं, बहुत हार्ड है, नहीं हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, क्या चल में तुम भी पागल हो गया। ओके देखो यहाँ कहाँ पे बनाया जाए, ये देखो हमारा परफॉर्मेंस सेंटर कितना बड़ा बन गया कसम से भाई, क्या मस्त लग रहा है, अब लग रहा है WWE परफॉर्मेंस सेंटर बना। ओके जगह मिल गया मुझे अंडरटेकर का रूम का, दिख गया। ओके देखो ये मिस्टर मिकमैन के जस्ट बगल वाले रूम में रहेगा अंडरटेकर, थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, अंडरटेकर का ज़्यादा इज्जत करते हैं। ओके तो यार देखो अंडरटेकर का रूम बन रहा है, चालू है। इस वीडियो में पता नहीं दिखा पाए हैं कि नहीं, पर छोटा सा ही रूम बना रहे हैं, बड़ा सा उतना रूम नहीं बना रहे हैं, एक आदमी कितना बड़ा रूम में रहेगा। ऊपर से बस ढकने में टाइम लगता है और कोई बात नहीं है। एक आदमी भला कितने ही बड़े रूम में रहेगा। बिल्कुल हार्ड नहीं है, अभी बनाओ परफॉर्मेंस सेंटर, कंपटीशन करो मेरे साथ, सबसे अच्छा रहेगा। क्या मस्त लग रहा है, आप देखो अंडरटेकर का भी अलग से कमरा हो गया परफॉर्मेंस सेंटर एरिना में। AJ स्टाइल्स के साथ मैच था रेसल मैनिया 36 में, तो परफॉर्मेंस सेंटर में रेसल मैनिया हुआ था बोनयार्ड मैच कब्रिस्तान में। ओके तो देखो एक बहुत बढ़िया रूम बना है, बस नीचे से ढकना है, जो कि इस वीडियो में नहीं पॉसिबल है। अगली वीडियो जो हमारे परफॉर्मेंस सेंटर का आएगी उसमें मैं दिखा दूंगा अंडरटेकर का कमरा चालू है। एक चीज़ मैंने आपको सर दिखाया है, याद नहीं आ रहा मुझे, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है ये हमारा रोड है,
यहाँ से देखो एक गेट दिया है मैंने इंट्रेंस, आई थिंक मैंने दिखाया पर फिर भी अगर दिखाया भी होगा तो ये हमारा इंट्रेंस है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है, मेरे ध्यान से कोई घुस सकता है। तो यार ये हमारी परफॉर्मेंस सेंटर एरिना बहुत बड़ी बन गई है, बहुत सुंदर बन गई है, आई लाइक दिस, आई लाइक इट। ओके थोड़ा सा ऊपर से ढक ही देते हैं आपके सामने। अरे यार वहाँ से बन नहीं रहा था, अब बन रहा, ये ख़त्म कर देंगे हम, चिंता मत करो। एक और वीडियो जब परफॉर्मेंस सेंटर की आएगी, और हमारा अमोंग अस का बिल्कुल भी मत मिस करना वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को भाई लोग कर देना सब्सक्राइब, भाई लोग लाइक कर देना वीडियो।